ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલન બાદ કેદારનાથ યાત્રા બે દિવસ માટે રોકી દેવામાં આવી છે। રાજ્યમાં 48 કલાક સુધી ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે। આ કારણે એનડીઆરએફની 12 ટીમો અને એસડીઆરએફની 60 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે। વરસાદને કારણે હરિદ્વાર, દેહરાદૂન, ટિહરી, રુદ્રપ્રયાગ અને નૈનીતાલમાં અત્યાર સુધીમાં 16 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે કેદારનાથમાં વાદળ ફાટવાને કારણે 2000થી વધુ લોકો લિંચોલી અને ભીમલી નજીક પગપાળા માર્ગ પર ફસાયેલા છે। તેમને બચાવવા માટે 5 હેલિકોપ્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે। કેદારનાથ માર્ગ પર ફસાયેલા મુસાફરોને બચાવવા માટે એસડીઆરએફ તૈનાત કરવામાં આવી છે। મુંગોટિયાથી સોનપ્રયાગ સુધી 450 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા, બાકીના લોકોને ચિનુક અને MI-17 હેલિકોપ્ટર દ્વારા બચાવવામાં આવી રહ્યા છે। હવામાન વિભાગે 24 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। મધ્યપ્રદેશના 11 જિલ્લાઓમાં આજે ભારે વરસાદનું એલર્ટ છે, જે આગામી 4 દિવસ સુધી રહેશે। पूरे उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है, और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखणाली गांव में गया था, और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी चार धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है, 5000 किया गया। और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं, और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं, और सभी संभव सहायता वहां से हो रही है, और MI भी वहां से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं, और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव, एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए हम लोग